मामूली से विवाद में गई युवक की जान रानी डीहा निवासी विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद निवासी रानी डीहा रविवार की रात 9:30 बजे खाना खाने रानी डीहा स्थित एक होटल में आया था। वहां उसने उल्टी कर दी, जिसको लेकर विवाद हो गया, जिस पर होटल कर्मचारियों ने विजय की शटर बंद कर बुरी तरह मारा पीटा, जिससे उसके दाहिने कान के पीछे सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लग गई। सूचना मिलने पर उसे खोराबार ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाए, जहां से जिला अस्पताल फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जिसका इलाज चल रहा था। रात 3 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पर मामले की अनदेखी का आरोप लगाते हुए परिजनों ने आक्रोशित होकर शव सड़क पर रखकर NH-24 को जाम कर दिया। इस संबंध में SSP शलभ माथुर ने बताया कि विजय नामक मृतक की परसों रात एक रेस्टोरेंट में मारपीट हुई थी, जो हमें जानकारी मिली है। उसके हिसाब से मृतक विजय रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान उसने उल्टी कर दी थी, जिसको लेकर मालिक और उनके लड़कों ने मिलकर विजय की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए पास के CSC में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें मृतक के परिजनों के तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर रेस्टोरेंट संचालक और उनके 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, वहाँ स्थिति सामान्य है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। हम चले बाबू, आज सुनो जी, कोट कॉपी आ गया, दे दीजिए, ले लीजिए। चलो आप उठाओ जल्दी तो। आप उधर जाइए, बताइए टाइम पर, बताइए कुछ नहीं लिखा इसमें, लिखा लिखा कौन है? की जो है हत्या की सूचना आज सुबह प्राप्त हुई थी, और इस संदर्भ में जो अभिभावक गण थे उनका ये कहना था कि ये परसों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और वहीं पर उनका विवाद हुआ और उल्टी आने को लेके वहाँ इनको उल्टी आई थी और उसके बाद वहाँ पे विवाद चालू हुआ, तो रेस्टोरेंट संचालक और उनके जो 2 पुत्र हैं और एक अन्य के बारे में बताया कि इन्होंने इनके साथ मारपीट की,
इसके बाद ये लोग इसको इलाज के लिए ले गए थे। इलाज जो है परसों की बात है ये, और कल जो है इनके द्वारा ये सूचना डायल 100 पे दी गई थी, और दौरान इलाज कल इस व्यक्ति की, आज सुबह इस व्यक्ति की डेथ हो गई। इस संदर्भ में इनके द्वारा जो है चार लोगों को अभियुक्त के FIR दर्ज कराई गई, चार लोगों के खिलाफ, जिसके अंदर जो रेस्टोरेंट संचालक और उनके दो पुत्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डेड बॉडी मोर्चुरी के लिए सुबह ही भेज दी गई थी और अभी पूरी तरह वहाँ से स्थिति सामान्य है।